ऋषि ने कहा कि वो अजर है, कि परमात्मा कभी विवान नहीं होते। अगला हाँ ग्रहण इल्लुला और बाकी सब लोग जैसा पाए सब करेंगे ऋषि ने कहा कि जो बीमार होंगे वो मरेंगे, इसीलिए अजर के साथ ऋषि ने अमर को भी जोड़ दिया है। वो अजर होने के कारण ही वो अमर है। ऋषि ने कहा कि जो बीमार होगा वो मरेगा, और परमात्मा को रोग छू नहीं सकता, और परमात्मा को जब रोग छू नहीं सकता तो मरने का भी सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए वेद मुकद्दस में उपदेश आया है, सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्वम कल्पयत। वो पहले भी था, अब भी है, और आगे भी रहेगा। केवल इतना ही नहीं, ऋषि व देव दयानंद लिख रहे हैं कि वो अजर है, अमर है, इसीलिए वो अभय है। परमात्मा को भय छू नहीं सकता, परमात्मा भयभीत नहीं होते, भय लगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए वो नित्य है, और ऋषि कह रहे हैं कि नित्य ही नहीं, यही कारण बना के वो पवित्र है। बोले कैसा पवित्र? कि परमात्मा पर कोई दोष लगना संभव नहीं है। कारण? बोले वो पवित्र है। दोष लगने से उसकी पवित्रता समाप्त हो जाएगी। इसलिए ऋषि व देव दयानंद कह रहे हैं कि ऐ लोगों, वह परमात्मा पवित्र है, लेश मात्र भी मलिनता परमात्मा के अंदर नहीं है। कभी भी परमात्मा अपवित्र नहीं होते। अगर परमात्मा अपवित्र होने लगे परमात्मा, तो वो परमात्मा ना होकर के दूसरा कोई वस्तु बन जाएगा, शय बन जाएगा। ऋषि कह रहे हैं कि केवल वो इतना ही नहीं है, केवल पवित्र ही नहीं है, बोले वो सृष्टि करता है। बोले सृष्टि करता? तो क्या सृष्टि करता और कोई नहीं हो सकता? ऋषि देव दयानंद कह रहे हैं कि सृष्टि करता एक परमात्मा को छोड़कर किसी का भी होना संभव नहीं है। अब अंतिम समय चलते चलते मैं ये कहूंगा कि कुछ लोगों का ख्याल और विचार ये है कि अल्लाह सृष्टि करता है, बाइबल वाले कह रहे हैं कि यहोवा सृष्टि करता है, तो आइए इन पर दोष लग रहा है या नहीं, ये मैं प्रमाण दे रहा हूं। और ऋषि कह रहे हैं कि वो पवित्र है, और पवित्र होने के कारण ही वो सृष्टि करता है, और जो अपवित्र होगा वो सृष्टि करता नहीं हो सकता। अब सृष्टि करता होने के कारण परमात्मा की ये सृष्टि है, रचना है, यह मानव के द्वारा बनाया जाना संभव नहीं है। इसलिए वेद मुकद्दस में परमात्मा का उपदेश है कि मुझे ना देखो, पश्य काव्य, मेरी रचना को देखो। इसलिए ऋषि दयानंद ने लिखा है सत्ता प्रकाश में कि बादल को देख कर वर्षा का आभास होना। तो सृष्टि की रचना को जब हम देखते हैं, तो हर एक पेड़ पौधे लता वृक्ष जितना जो कुछ भी है, हर एक की डिजाइन अलग अलग है।
और एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि हर एक की डिजाइन अलग अलग है, एक पत्ता दूसरे पत्ता से मेल नहीं खाएगा और पत्ते से ही पहचान होगी पेड़ की। कौन सा पेड़ हम पहचान नहीं पा रहे, उस पत्ते से ही पहचान होगी। लोग पत्ता तोड़ करके रगड़ करके नाक में लगा करके सूंघते हैं कैसा गंध है इसका, कौन सा पेड़ है। इससे यह साफ पता चला कि पत्ते में उसके नाम छुपे हुए हैं और केवल नाम नहीं है, गुण उसके अंदर में है। केवल इतना ही नहीं, जरा फिर देखिए विचार पूर्वक के आम लीजिए और इमली लीजिए। एक आम का पेड़ है और एक इमली का पेड़ है, दोनों को कंबाइन करके आप लगा दीजिए जमीन में, खेत में, मिट्टी वही है। जो रस मिट्टी आम के पेड़ को देती है वही रस इमली के पेड़ को भी देती है, पर इमली में खटास और आम में मिठास। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि यह परमात्मा की पहचान है, इसीलिए परमात्मा को कहीं ढूंढने के लिए मत जाओ, ढूंढना की माने मूर्खता है। इसीलिए ऋषि कह रहे हैं कि वेद मुकद्दस में परमात्मा का उपदेश है, पश्य काव्य, मेरी रचना को देखो। अब देखिए एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि कैसा सृष्टि करता नहीं है अल्लाह या यहोवा, कि हमारे और आपके ये जो हाथ हैं, ये जो थंब जिसको हम बोलते हैं अंगूठा, ये अंगूठा विश्व के आंगन में इतने मानव है, एक का अंगूठा दूसरे का अंगूठा के साथ मेल नहीं खाएगा। अब इससे अंदाजा ये लगा लीजिए कि धरती पर कोई इतनी कारखाना, इतनी फैक्ट्री लोग खोले हैं, बनाए हैं, सामान बनते हैं, चलाते हैं फैक्ट्रियों को, लेकिन एक ही फर्मा से अलग अलग सामान नहीं निकलने वाला। एक ही डिजाइन का सामान निकलेगा, लेकिन परमात्मा का ये फर्मा देखिए अलग अलग डिजाइन, एक का अंगूठा दूसरे का अंगूठा के साथ मेल नहीं खाएगा। और यही कारण बना कि कई बार हम सरकारी कागज पत्र में देखते हैं कि अंगूठा का छाप लिया जाता है, और कई बार जिनको लिखना पढ़ना आता है सिग्नेचर करते हैं, सिग्नेचर करने के बावजूद भी अंगूठा लिया जाता है। अंगूठा लिया इसलिए गया ताकि वो मना न कर पाए, अस्वीकार न कर पाए। इस अंगूठा के जो एक्सपर्ट होते हैं वो अंगूठा की पहचान से ही पकड़ लेंगे ये किसका है। लेकिन अब गवाही के लिए किस उंगली को माना गया है, इस उंगली को माना गया, थंब जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, अंगुष्ठ, वृद्धा उंगली भी बोलते हैं हम लोग, वृद्ध उंगली जिसको अंगूठा बोलते हैं। लेकिन इस्लाम में इसको गवाही की अंगूठा, अंगूठा को गवाही की उंगली नहीं माना गया, इस्लाम में माना गया है गवाही की उंगली ये है, इंडेक्स को, तर्जनी को। अब तर्जनी से गवाही लेना संभव नहीं होगा, इसको गवाही की उंगली नहीं माने इन लोगों ने, लेकिन इस्लाम ने माना है, इस्लाम मानते ये गवाही की उंगली, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, इससे गवाही देनी होगी। अब बाइबल में देखेंगे उस यहोवा के अंदर में वो सृष्टि करता नहीं है, वो सृष्टि जानता भी नहीं है, उसकी उत्पत्ति विषय को बाइबल का खोल करके पढ़े तो उससे पता लगेगा ये धरती जलाशय ही जलाशय था, उस जलाशय में यहोवा का सिंहासन तैर रहा था और सिंहासन पर यहोवा थे। तो सिंहासन पर अगर यहोवा हो तो
सिंहासन के नीचे यहोवा से खाली होगा कि नहीं होगा स्थान? सर्वव्यापक नहीं है, अल्लाह भी सर्वव्यापक नहीं है। अल्लाह के लिए कुरान वालों ने माना है वो सातवां आसमान पर है, और वेद में क्या माना, ऋषि दयानंद ने क्या दिया है, ईशावासम इदम सर्वम, वो ईश हर जगह ओत प्रोत है, उससे कोई जगह खाली नहीं। लेकिन यहां सातवां आसमान पर माना जाता है, वलकल खलकना समावाती वल अर्द फी सित्तत अय्याम सुमस्तवा अल अर्श युदब्बिरुल अमर फसरुल आया, कुरान कह रहा है कि वो सातवां आसमान पर रहता है। लेकिन ऋषि व देव दयानंद कह रहे हैं कि एक स्थान विशेष में जो रहेगा वो परमात्मा नहीं हो पाएगा, इसीलिए वेद कहता है ईशावासम इदम सर्वम, ईश वास करने वाला है हर जगह, उससे कोई जगह खाली नहीं। लेकिन दुनिया वालों ने माना ही नहीं, दुनिया वालों ने जानने का भी प्रयास नहीं किया कि कौन है ईश्वर। अगर ईश्वर को दुनिया के लोग जानते होते तो आज ईश्वर के नाम से धरती पर खून रिजी न हुई होती, एक दूसरे के खून के प्यासे न मनते, ईश्वर के नाम से एक दूसरे को गला काटने में भी संकोच नहीं कर रहे, केवल भारत में नहीं संपूर्ण विश्व के आंगन में, संपूर्ण विश्व के आंगन में देखिए एक भयावह स्थिति पैदा किया है लोगों ने। आकाश और पाताल के नाम से लोगों ने लड़ाई नहीं करी कि मानव शरीर में कितने नस नाड़ियां हैं, इसे लेकर के भी किसी के साथ मतभेद नहीं है। अगर मतभेद है डॉक्टरों में, लेकिन किसी ने लड़ाई नहीं करी, धरती को लेकर के लड़ाई नहीं, आसमान को लेकर के लड़ाई नहीं, सूर्य और चंद्रमा को लेकर के लड़ाई नहीं, लेकिन अल्लाह को लेकर के लड़ाई है और धर्म को लेकर के लड़ाई है। ऋषि दयानंद कह रहे हैं जो लोग परमात्मा को नहीं जानते हैं वही लोग परमात्मा के नाम से लड़ते हैं, जो लोग धर्म को नहीं जानते हैं वही लोग धर्म के नाम से लड़ते हैं। तो ऋषि वर देव दयानंद के इन विचारों को अगर हम जन जन तक पहुंचा दें, 1875 में ऋषि व देव दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना बंबई के महाराष्ट्र के अंदर में किया था, महाराष्ट्र प्रांत के राजधानी बंबई में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। अब 1875 से लेकर के अब तक आर्य समाज संपूर्ण विश्व में दुंदुभी बजा रहे हैं, लेकिन आर्य समाज का एक भी नियम कहीं पर भी लागू नहीं हो पाया और न कर पाए। और आर्य समाज के लोग कहते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे चल कपट को मानसिक बल दीजिए, पर चल कपट इनसे छुटा ही नहीं। अगर ये छल कपट छोड़ देते होते तो आज बात कुछ और होती, और सारा काम इनका छल कपट से ही चल रहा है। इसलिए हम युवा पीढ़ियों को तैयार करना होगा। माननीय आचार्यवर बाबू वीरेंद्र जी ने जो बीड़ा उठाया है युवाओं को लेकर के, और इसमें हमारे भाई प्रवीण जी जैसे एक इंजीनियर होने के बावजूद भी अपने युवा संगठन और युवा जनों को लेकर के अग्रसर हो रहे हैं, और नित्य प्रति यही आध्यात्मिक विषय की चर्चा इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। इसलिए मैं सारे कार्यकर्ता अधिकारियों को जितना भी धन्यवाद दूंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा कि यह बीड़ा संपूर्ण भारत भर में आर्य समाज की कमी नहीं है, और आर्य समाज की संस्था में सब लोग सांप जैसे कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, ये काम वहां से नहीं हो रहा है। क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या वो जिम्मेदारी नहीं निभा सकते? ये जिम्मेदारी
हमारे युवा आर्य समाज के उड़ीसा प्रांत के अंदर युवा जनों को हमारे आचार्य जी ने तैयार किया है कि हमारे युवा गण तो आज ऐसाओं से त्रसित हैं, तथापि उन युवाओं के हृदय पलट में ये ईश्वर विषय, धर्म विषय, वेद विषय, जिससे लोग कोसों दूर भागते हैं और यहां युवा आर्य जनों के माध्यम से नित्य प्रति, एक दो दिन नहीं, रोजाना ये कार्यक्रम हो रहा है। तो युवा जनों को अगर हम संभाल लेते हैं, युवा जनों को अगर हम सही दिशा निर्देश करते हैं, युवा जनों को अगर हम सही रास्ता दिखाते हैं, तभी इस राष्ट्र का उद्धार होना संभव होगा, मैं दावा के साथ कह रहा हूं। अगर युवा पीढ़ी बेकार हो गया, अगर युवा पीढ़ी हमारे धर्म से अलग हो गए, ईश्वर से अलग हो गए, राष्ट्रीय भावना से अलग हो गए, इस राष्ट्र को संभालना संभव नहीं होगा। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे सारे अधिकारियों ने जो बीड़ा उठाया है युवाओं के अंदर में ये जोश भरने का, वेद के साथ जोड़ने का, परमात्मा के साथ जोड़ने का, राष्ट्र के साथ जोड़ने का, धर्म के साथ जोड़ने का, हम युवा जनों को अगर इसी तरीके से तैयार करते रहेंगे तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं, ऋषि ने सत्ता प्रकाश के तीसरा समुल्लास में लिखा है कि पहले जमाने में जिस तरीके से लोग घर घर यज्ञ किया करते थे, पहले जमाने में जिस तरीके घर घर लोग वेद पाठ किया करते थे, पहले जमाने में जिस तरीके से लोग ईश्वर चिंतन और मनन किया करते थे, आज भी अगर उसी परंपरा को प्रस्तुत किया जाए, सामने लाया जाए, तो हम वो पुराना वाला दिन आज भी लौटा सकते हैं, लेकिन यहां शर्त है, करना पड़ेगा, किए बगैर चारा नहीं है, क्योंकि आज सब जगह वातावरण बिगड़ रहा है। आपके शत्रु मुंह बाए खड़े हैं, जब उनको मौका मिलेगा तो वो निगल लेंगे आपको, और इसी अवसर पर युवा जनों को मजबूती के साथ उनके हृदय पलट पे ये सब भावनाओं को भरना, यही एक बहुत बड़ा काम है। इसीलिए मैं कहूंगा कि आज बिगड़ी है डगर, उस बिगड़ी डगर को बदलो, गांव को बदलो और नगर को बदलो, टोपी को बदलने से न बदलती है निजाम, घर बदलना इंसान के सर को बदलो, और इंसान के सर को बदला जा सकता है केवल विचारों के माध्यम से, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए वेद मुकद्दस में भी आया है, नाना पंथ विदते आय नाय, अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता एक है, उसी सही और सच्चे रास्ते पे आने पर ही मानव जीवन का सफल होना, मानव जीवन को सफल बनाना संभव होगा। तो मैं और आगे न बढ़ता हुआ मैं चाहूंगा, 8:30 बज गया है, आप लोगों ने बताया नहीं था मेरे को, मैं यहीं पर ही वाणी को विराम दे रहा हूं। आप सभी कार्यकर्ता और अधिकारियों को मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं तहे दिल से कि आप लोग जो बीड़ा उठाए हैं, वाकई में आप सब धन्यवाद के पात्र हैं, इसी प्रकार से आप लगे रहें तो ऋषि वरदेव दयानंद की विचारधारा को हम जन जन तक पहुंचा पाएंगे। सबको नमस्ते के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।